अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बर्गर पैटीज की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हाफ के जी कीमा लिया है मैंने चिकन का, इसमें ये ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ। इसमें दो स्लाइस लिए हैं मैंने ब्रेड के और पूरी तो चॉपर में चॉप कर लिया है, तो ये डाल रही इसमें। फिर ये ग्रीन ऑनियन तकरीबन 1 कप होंगे, दो हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और अच्छा 1 अदद अंडा शामिल किया है और 2 टेबलस्पून इसमें हम मैदा डालेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, तो अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा के तो आप इसके इस साइज के पैटीज बना लें। पैटीज हमारी बन गई हैं तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसको ज़्यादा तेज़ आग पे फ्राई नहीं करना, लाइट फ्लेम पे हो, आस्ता आस्ता पकने दे। अगर आंच तेज होगी तो अंदर से पैटी जो है वो पूरी नहीं पकेगी। हमारे पैटी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, कलर आगे तो रेडी करने लगे हैं। इसमें 2 टेबलस्पून मायनीज शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें केचप, टमाटो केचप। हाफ 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। पैटीज रेडी हो गई हमारी, तो अब हम बर्गर जो है वो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले इस पर लगाएंगे हम सॉस, सॉस जरा भर के लगानी है। ऐसे पैटीज रखे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। इस पर रखेंगे स्लाइस, चीज स्लाइस,
चीज स्लाइस रखने के बाद फिर हम ये रखेंगे खीरा, एक टमाटर, एक अदद टमाटर का पीस और थोड़ा सा प्याज के लच्छे, ये थोड़ी सी आइस पर डालने के अच्छे ऑप्शनल है। बर्गर रेडी हो गया।